तो हमें पता है एन का फॉर्मूला, एन हमें पता है, तो एन का ही हम फॉर्मूला पुट करेंगे। एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हमें डी की वैल्यू भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और एन भी पता है। तो हमने वैल्यूज पुट करी जिससे कि एन की वैल्यू आ गई कितनी, सिंपली 11। मीन्स 11 साल बाद उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। लेकिन 11 साल के साथ में आपको ईयर भी बताना है, कौन सा ईयर पड़ेगा। 1995 से 11th ईयर कौन सा पड़ेगा। 1995 में उनकी सैलरी 5000 थी, याद रखना। तो 11th ईयर कौन सा होगा। सिंपली ऐड नहीं करते हैं बिना, दैट्स द कैच। ओके लेट्स सी, सपोज करो 1995 से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर 1996, फिर 1997, है ना। तो ऐसे करके हमें 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म निकालनी है तो यहाँ पर आप देखोगे ए की वैल्यू तो है 1995, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, A11। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 10 D। A के प्लेस पर 1995 रखा, 10 इंटू डी 1, तो 1995 प्लस 10 कितना हो गया, 2005। इसमें मोस्टली सभी आंसर गलत देते ही हैं, वो सीधे क्या करते हैं 1995 में 11 ऐड कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि 1995 भी काउंट होगा, 1995 में भी उन्होंने सैलरी ली है तो वो साल भी काउंट होगा। एक साल ये हो गया, फिर दूसरा साल, और अगर उससे समझ नहीं आता है तो यू कैन फाइंड आउट सिंपली हाउ डू वी नो द ईयर्स आफ्टर 1995। ये रहे बच्चे 11 ईयर्स, यहाँ पर फाइंड आउट तो किए हैं कि 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। और फिर हमने 11वें साल कौन सा पड़ेगा वो भी एपी से फाइंड आउट कर लिया, यू कैन फाइंड आउट बाय एपी। अगेन ये जो ईयर एट जो फाइंड आउट किया है उसे आपको फाइंड आउट करके नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। हेंस आफ्टर 11th ईयर, यस आंसर इज 11th ईयर ओनली, करेक्ट। नहीं, आपको पूरा लिख कर आना है 2005 में। वो पूछेंगे इन विच ईयर, इन विच ईयर का मीनिंग यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो कौन सा साल पूछ रहे हैं, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने साल में। यहाँ पर इन विच ईयर का मीनिंग ये भी हो सकता है, पॉसिबली जो है, मोर पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो ये है, क्लियर क्वेश्चन, कि विच ईयर पर्टिकुलरली किस ईयर में उनकी सैलरी होगी। और अगर ये लिखा होता आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स उनकी सैलरी इतनी होगी, उस केस में हम 11th ईयर ओनली लिख कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर द सेफ साइड आप दोनों ही आंसर्स लिख कर आ जाओ, हम क्यों उनको मौका दें कि वो मार्क्स काटे, इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं लग रहे हैं। तो बेटर है आप 11th ईयर भी लिख के आओ और सन भी लिखाओ, जो भी ईयर है 2005 है, ठीक है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेना, उसमें पूछेंगे ईयर पर्टिकुलरली कि कौन से ईयर में उनकी सैलरी हुई। 2005 कैसे आया समझ आ गया सभी को। अक्षर ऑनली ऐड नहीं कर देना है प्लीज, ये गलती मत करना। 1995 में स्टार्ट हुई, उसमें 11 साल ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 2006 आ गया। नो दैट्स नॉट करेक्ट, 1995 को भी आपको काउंट करना है। ठीक है, इसके बाद रामकली वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क है। रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75।
इन दी एनथ वीक, किसी वीक में उनकी जो सेविंग है टोटल मिलाकर, सॉरी टोटल मिलाकर नहीं, उनकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाती है। इंक्रीज करते करते उनकी सेविंग 20.75 हो जाती है। तो आपको बताना है कौन से वीक में ऐसा होगा कि उनकी सेविंग इंक्रीज होते होते 20.75 पर पहुंच जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1.75 एंड स्टार्टिंग की आपको टर्म दी हुई है 5 मीन्स फर्स्ट टर्म, एंड आपको ए एन भी दिया हुआ है 20.75। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट एन की वैल्यू। यस, आप इसमें डायरेक्टली ए एन का फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। इजी क्वेश्चन है ये, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली आता है रामकली सेविंग सम मनी फॉर द एडमिशन ऑफ हर डॉटर इन अ स्कूल, एंड फॉर दैट एडमिशन शी सेव सम मनी, या उसकी बुक्स के लिए समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आपको वैल्यू भी पूछ ली जाएगी कि क्या इसमें वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप लिख दोगे कि हाँ वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, एजुकेशन देना चाहती है, वॉट एवर, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। क्लियर मैसेज है क्वेश्चन में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी आएगी। प्लीज बताओ किसी को कोई परेशानी? कार्तिक कर लिया, गुड। 10th वीक में हो जाएगी, ओके। मेरे पास बुक तो नहीं है बट आई एम श्योर आपने ठीक किया होगा। और किसी को कोई परेशानी किसी प्रश्न में? चलो तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ निकिता, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर्सनल ग्रजेस वैसे टीचर निकाल देते हैं, बट इट्स योर 10th क्लास तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 10th क्लास में टीचर्स भी उतना ही स्केयर्ड होते हैं जितना स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज यू हैव लिबर्टी टू रीचेक योर एनी ऑफ योर आंसर शीट्स, इट्स योर राइट। 9th में भी होता है बट 9th में मना कर देते हैं और उनके हाथ में कंट्रोल होता है, बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं हो सकता। तो डोंट वरी, टीचर्स के साथ में अगर आपकी ट्यूनिंग नहीं बनी है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उससे वो टीचर्स मार्क्स काटें, आई डोंट थिंक कि वो ऐसा करेंगे, एंड इट्स ऑब्वियसली टीचर्स के एथिक्स के खिलाफ भी है, क्योंकि बोर्ड्स कैंसिल भी होते हैं उस केस में भी, अगर बोर्ड कैंसिल भी हुए उस केस में भी वो आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट कर सकते, क्योंकि इंटरनल्स में तो आपके एग्जाम्स हुए ही हैं और आपने उसमें टेस्ट दिया है या भी जो भी आंसर शीट है वो दी है, तो वो तो रीचेक हो सकती है कि भाई इतने कम मार्क्स क्यों आए, या फिर इफ यू वॉन्ट देम टू रीचेक कि आपका जो भी है वो रीचेक हो तो करवा सकते हो। सो आई डोंट थिंक टीचर ऐसा कुछ करेंगे। टीचर्स एक्चुअली सी 9th क्लास तक टीचर्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल ग्रजेज में आपके मार्क्स काट सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल ग्रजेज में भी फालतू के मार्क्स नहीं काट सकते, जस्ट ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही काट दिए। बस उस केस में क्या होता है, वो फिर आपकी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स भी पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप मिस्टेक करो ही मत, उनके पास कोई भी पॉइंट नहीं होगा मार्क्स काटने का, है ना? जब टीचर्स मोस्टली चेक करते हैं तो मैंने आपको बताया था, वो ओवरऑल देखते हैं सॉल्यूशन को, उनको सिर्फ किससे मतलब होता है, वो पहले आपका फाइनल आंसर देखते हैं, इफ दैट इज करेक्ट तो आपके एक एक ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ ठीक से स्टेप्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, दे डू नॉट टेली ईच एंड एवरी स्टेप। लेकिन अगर हाँ उनको आपसे कुछ चिढ़ हो गई है या कुछ हो गया है तो वो फिर आपके ईच एंड एवरी स्टेप को, ईच एंड एवरी वर्ड को देखेंगे, उसमें से गलतियां निकाल कर उसमें से मार्क्स कट कर सकते हैं, बट अगेन वो होगा तभी जब आपने गलतियां करी होंगी अपने आप में। हिस्ट्री में, हिस्ट्री का, सोशल स्टडीज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हिस्ट्री में तो मेरा ही एक्सपीरियंस बहुत बुरा है कि मेरे ही मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मैं आप सबको कैसे बता सकता हूँ, बट हाँ अगेन अगर टू द पॉइंट आंसर्स नहीं है तो मार्क्स काट सकते हैं। ओके सलोनी, एंड वाई सो, आप तुम्हारी टीचिंग अच्छी है अक्षत जैन, गुड, होनी भी चाहिए। टीचर्स के साथ में अच्छा बिहेव, टीचर्स को भी ये होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में अच्छा बिहेव रखें, इवन इफ देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। टीचर्स बहुत कितना ऊंचा स्थान होता है टीचर्स का, अगर वो सही में टीचर है,
तो ये चीजें टीचर्स को मैटर नहीं करती, वेदर अ स्टूडेंट इज आस्किंग कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, है ना, देन इट शुडेंट बी एन इशू। आई एम श्योर वो समझ जाएंगे कि हाँ, बाद में वो सोचेंगे। कई बार होता है लाइव सेशन होता है तो टीचर के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, बर्डन भी होता है, होता है कि गुस्सा आ जाता है, वी लूज आवर कूल, बट लेटर जब हम बैठते हैं खाली तो हमें खुद रियलाइज होता है कि हमने जो किया शायद वो सही नहीं था, या मे बी स्टूडेंट कुछ और कहना चाह रहा था, हमने कुछ और समझ लिया। ये साइकोलॉजी होती है बच्चे की, टीचर्स स्टूडेंट्स सभी के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स के साथ में होता है, स्टूडेंट्स के साथ में भी होता है। तो ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, टीचर के लिए तो नहीं करती हैं, इफ वो एक्सपीरियंस टीचर है तो शी और ही नोज कि क्या हुआ होगा, या फिर जो भी हुआ उसका आपके मार्क्स पर या उसके आंसर शीट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चलो, गुस्सा आ जाता है विनायक, इट्स नॉट अननेचुरल, नॉर्मल है, एबनॉर्मल भी नहीं है, मुझे भी आ जाता है समटाइम्स, बिकॉज सी ओ ये हमारे लिए भी नई चीज़ है, आपके लिए भी नई चीज़ है। कई टीचर्स को इसमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, यू हैव नो आइडिया कि वो किस एक क्या कह सकते हैं जर्नी से गुजर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग फॉर देम, इस एज में आके उन्हें भी कुछ बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है जो जरूरत उन्हें नहीं थी शायद और अनएक्सपेक्टेड था, बट बिकॉज ऑफ एक लाइफ है उनकी और उसको चलाने के लिए दे हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस, तो इट्स अ न्यू थिंग फॉर देम। एंड बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा माइंड पर कंट्रोल क्या कहते हैं गुस्से वाला जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और चिड़चिड़ापन, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में, बच्चों की लाइफ में सिर्फ दो ही इश्यूज होते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हुई, गिफ्ट नहीं मिले, या फिर हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है तो उसके बारे में पेरेंट्स या टीचर से हमें डांट पड़ती है। ओनली टू इश्यूज, आई डोंट थिंक कि और कोई इश्यू होता होगा, खेलने कूदने से लेकर मीन्स अपनी जरूरतें पूरी ना होना या फिर पढ़ाई को लेकर, बट जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो गुस्सा आ जाता है, उसमें आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए एंड उनको भी चाहिए कि वो उस गुस्से को खामोखा किसी चीज़ पे ना निकाले, आपके ऊपर ना निकाले, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी ना निकाले। एनीवेज, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल लैब सेशन, तो हम आगे चलते हैं सम ऑफ एंड टर्म्स। देखो, सम ऑफ एंड टर्म्स का मीनिंग है हमें किसी सीरीज का सम कैलकुलेट करना है, हमें बहुत बड़ी सीरीज दे दी और उनसे पूछा गया कि बताओ इन्हें ऐड करके आंसर क्या आएगा, तो ऐड करके आंसर क्या आएगा उसके लिए हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हो। दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले से बने हुए हैं, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। आप ये नहीं सोचोगे कि ये वाला किस केस में करेंगे, वो वाला किस केस में करेंगे, आप कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, जैसे एन का फॉर्मूला था कुछ कुछ वैसा ही है। सपोज करो हमारे पास कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और हमें एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, एन टर्म्स मीन्स कितनी भी टर्म्स का, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू एन ओवर टू टू ए ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टू डी। तो आप देखो ए एन के फॉर्मूले में बस क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर टू ए आ गए और यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई एन अपॉन टू में। ये है हमारा छोटा सा अच्छा सा फॉर्मूला टू फाइंड आउट सम ऑफ एनी सीरीज, ठीक है। सम ऑफ सीरीज से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी भी है, मैं हर बार ही हर साल ही बच्चों को बताता हूँ, इस बार उनका नाम भूल गया, एक थे मैथमेटिशियन तो नहीं थे, मतलब एक स्टूडेंट ही थे, एक बार स्कूल में किसी ने टीचर ने बोला बच्चों को कि चलो एक से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3
4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू 100, अप टू 99 एक्चुअली, या 100 ही ले लो, चलो 100 ही बोला था आई थिंक, अप टू 100 इनका सम फाइंड आउट करो। तो बच्चे लग गए, एक में दो ऐड किया, फिर थ्री ऐड किया, फिर फोर ऐड किया, बट उनमें से एक स्टूडेंट थे काफी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या किया कि वन, उन्होंने पेयर बना लिए, वन को 99 के साथ ऐड किया, टू को 98 के साथ ऐड किया, थ्री को 97 के साथ, तो हर केस में देखो आंसर कितना आ रहा था, 100 100 आ रहा था। और लास्ट में लेकर उन्होंने ऐसे कितने पेयर बने, ऐसे उनके पास है 50 50 पेयर बने, तो 50 से 100 की मल्टीप्लाई कर दी और उनको उनका आंसर मिल गया। तो सम ऑफ सीरीज का भी इसी तरह से कुछ फॉर्मूला बना था, लेकिन आप ये याद रखना कि इसकी जो डेरिवेशन है वो नहीं आती है, टीचर कुछ भी बोलते रहे कि इसको डेराइव करो फॉर्मूले को कि कैसे आएगा, नो इट्स नॉट इन योर कोर्स। जब आप 11th में आओगे तब आपको बताया जाएगा, 11th में भी है ये चैप्टर, लेकिन 10th में इसकी डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है, तो ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी फॉर्मूला की, आपके कोर्स में किसी भी फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं है, चाहे वो चैप्टर 13th हो जिसमें आपके टीचर बहुत जोर लगाएंगे कि आप परेशान हो डेराइव करने में, फॉर्मूलाज को नहीं करना है, इस चैप्टर में भी कर सकते हैं नहीं करना है, फाइन। तो ये सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई एपी दी हुई है और आपको सम ऑफ सम टर्म्स फाइंड आउट करना है तो आप सिंपली वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। एक और साथ में होता है, अगर आपको लास्ट टर्म भी पता है एपी की तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, अगेन दोनों सेम ही है, आपको लास्ट टर्म पता है एन भी पता है तो आप ये छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही केसेस में आंसर सही आएगा, सेम ही आएगा, इट्स अप टू यू कि आप इसको यूज करते हो या इसको, अगेन क्योंकि आपको कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी रखनी है तो इन केस आपको लास्ट टर्म पता है एपी की, यहाँ पर एल का मीनिंग है लास्ट टर्म, आपको अगर ए एन पता है, लास्ट टर्म पता है जहां तक का आपको सम कैलकुलेट करना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, दैट्स इट। तो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और कैसे हम करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने दो ही पार्ट्स लिए हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू मीन सेकेंड टर्म 7 है, ए की वैल्यू 2 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 12 है, एंड आपको अप टू 10 टर्म्स का फाइंड आउट करना है सम। 10 टर्म्स का मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, एन की वैल्यू इज 10, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7 माइनस 2 डेट इज 5, एंड एन की वैल्यू हो गई 10, ए की वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस, विच रिमार्क सलोनी आई डोंट हैव एनसीआरटी, विच रिमार्क, ठीक है, इसको बस आप अप्लाई करो फॉर्मूला में पुट करो, आपको 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर 10 अपॉन 2, 2a+10 माइनस 1 इंटू डी, ए के प्लेस पर 2 आ जाएगा, डी के प्लेस पर 5 आ जाएगा, एंड यू हैव दिस आंसर 245, मीन सम ऑफ 10 टर्म्स, यस 10 का मीनिंग है सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल्स टू 245, दैट्स योर फाइनल आंसर, इजी है, कोई मुश्किल बताइए, बोलो बोलो, किसी को कोई परेशानी, ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट का चलो कॉमन डिफरेंस आप बताओ क्या आएगा बिना देखे कहीं से, वी हैव फर्स्ट टर्म, वी हैव एन की वैल्यू 11, वी हैव सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, सलोनी फोन पे भर सकते हो आप चाहो तो, मैं देख लूंगा जो भी आप पूछ रहे हो।
कॉमन डिफरेंस प्लीज, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 15 और 12 में क्या कॉमन होता है? यस अलोन, और कोई महानुभाव व्यक्ति जो बताना चाहे? ओके अक्षत, 7-8 मार्क्स का डिफरेंस। विनायक, 3 कैसे आएगा? ऐसे ही माइनस कर दिया, एलसीएम लेके माइनस करते हैं। चलो अक्षत, नॉट बैड स्टिल, और इम्प्रूव कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे, जिसमें आपको एलसीएम लेना है। ऐसे ही नहीं माइनस कर देते, 1/15 माइनस 1/12, तो 1/3 या 3 आंसर आ गया। नो, यस कार्तिक, करेक्ट। सो कॉमन डिफरेंस होगा 1/60। एलसीएम लेना है, प्लीज ये 5th 6th की बातें मत भूलो। वेन एवर यू हैव फ्रैक्शन की वैल्यूज, आप ऐसे ही माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते उनके, आपको पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, उस केस में भी 3 आंसर नहीं आएगा। यस, 1/60 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 11। अब आप इसको सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला में पुट किया, 11/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट गिव्स अस 11/2, 2/15, ये हो गया। 10 से इसको कैंसिल करोगे, 1/6 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यस निकिता, करेक्ट। सो 11 टर्म्स का सम 33/20। डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन डेसिमल में है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आप आंसर फ्रैक्शन में छोड़ोगे। ये चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है, और ये चीज एप्लीकेबल होगी आगे के कुछ चैप्टर्स में भी। फाइन, ज्यादा होशियार नहीं बनना है, क्वेश्चन का आंसर एज पर क्वेश्चन आपको छोड़ना है। कई टीचर्स क्या करते हैं, इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करा देते हैं। कर दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट क्यों करें हम, जब उन्होंने फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई है तो हम भी फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। और ये कोई रुपीज या कुछ नहीं है जो हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, सो दैट इज फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर लोगे। अब इस केस में अगेन दे हैव फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो, यहाँ पर आपको सम फाइंड आउट करना है। तो क्या आप बता सकते हो 84 क्या चीज है यहाँ पर? व्हाट इज 84? ये एक एपी है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एपी है, तो बताओ 84 क्या है? यस विनायक, यस कार्तिक, लास्ट टर्म, ठीक है। सलोनी, जो आपने भेजा है उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। मान लो आपको मैंने एक सीरीज दी है, 1 2 3 4 5, नहीं चलो थोड़ी डिफरेंट ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो अगर उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो nth टर्म होगी, मीन्स लास्ट की जो टर्म होगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस एन में से एस एन माइनस 1 माइनस कर देंगे। मीन्स आप पूरी टर्म्स के सम में से 2 4 6 8 10 12 दिया हुआ है। सपोज करो इस पूरी सीरीज का जो सम है उसमें से आप अगर इस सीरीज का सम माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? लास्ट टर्म भी बचेगी ना। बस वही बोला हुआ है उन्होंने कि पूरी सीरीज के सम में से एक टर्म कम करके अगर हम सम माइनस कर देंगे तो हमें लास्ट टर्म मिल जाएगी। यूजलेस चीज है, फॉर नाउ हमारे काम की नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। वो किस तरह से काम आएगी वो हम 11th या 12th क्वेश्चन में पता करेंगे, थोड़ी सी उसमें काम आएगी, अभी नहीं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू है 84, तो क्या हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं? इस सीरीज का सम गिवन वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं? बताओ जल्दी से, क्या हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली? कैसे, डू यू नो एन की वैल्यू? कार्तिक,
गिवन वैल्यूज से हम अभी इसका सम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम के फॉर्मूले में एन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन तो चाहिए ही दोनों फॉर्मूलाज में। तो हमें पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। हमें लास्ट टर्म तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो टर्म कौन से नंबर की है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हमें एन की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी किससे, ए एन के फॉर्मूले से। यहाँ पर लास्ट टर्म मीन्स ए एन टर्म जो दी है वो 84 है, तो पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस है 7/2, 3.5, और लास्ट टर्म है 84, तो पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 × d ए एन के इक्वल होता है। यहाँ ए एन के प्लेस पर 84 रखेंगे कि ये कौन से नंबर की टर्म है। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, एन के प्लेस पर एन, हमें नहीं पता। सॉल्व किया इसको, 7 उधर चला गया, 84 - 7 77 होता है। 77 को जब 7/2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 22, तो एन की वैल्यू आ गई 23। मीन्स हमारे पास इस एपी में कितनी टर्म्स है, 23 टर्म्स है, 23rd नंबर पर 84 है। गॉट इट? जब आपके पास एन की वैल्यू ना हो तो आप पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, विच इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सम ऑफ एनी सीरीज। जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सम? तो उसके लिए हमने पहले एन फाइंड आउट करा, और अब हमने सिंपली सारी वैल्यूज को पुट कर दिया अपने फॉर्मूला में। इस केस में मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लिया क्योंकि मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू पता है 84। आप अगर पहले वाले फॉर्मूला से करना चाहते हो उससे भी सेम ही आंसर आएगा। मैंने सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, जिसमें हम एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फर्स्ट टर्म वी हैव, लास्ट टर्म वी हैव एन की वैल्यू, वैल्यूज पुट की, और हमारे पास आ गया आंसर 2093/2। अगेन डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, क्योंकि उन्होंने जो सीरीज दी है वो मिक्स फ्रैक्शन में भी दी है, मैंने नहीं किया है, आप कर देना। सो आंसर जो भी होगा यही होगा। डेसिमल में कर दोगे अगेन तो भी गलत नहीं होगा, ऐसे छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो गो अहेड। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। यस यू कैन निकिता। पता है वो वाला जो सेकंड फॉर्मूला है, लेट मी टेल यू, सम बोला होगा तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिर्फ, विनायक। सी सेकंड वाला जो फॉर्मूला है निकिता, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे, 2a का मतलब क्या होता है, a + a + n - 1 × d, और ये किसका फॉर्मूला होता है, an का। तो जनरली ये ए यहाँ पर एज इट इज लिखा और इसके प्लेस पर हमने लिख दिया ए एन, मीन्स लास्ट टर्म, तो उसी से ही फॉर्मूला बना हुआ है। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, बात एक ही है। सम बोला होगा तो लास्ट टर्म, क्या बच्चे पूरा सेंटेंस बोलो, सम बोला होगा तो लास्ट टर्म का मीनिंग क्या है। अदर फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि हमें जब एन ए एन पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम डायरेक्ट इसी में क्यों ना ऐड कर लें। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है उस केस में आपको ये फाइंड आउट करना होगा। इस वाले फॉर्मूला में आप क्या कर रहे हो, इस वाले फॉर्मूला में आप इनडायरेक्टली लास्ट टर्म भी फाइंड आउट कर रहे हो और सम भी फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म ऑलरेडी पता है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पेपर से एक दिन पहले मैं तो मना करता हूँ बच्चे, पेपर से एक दिन पहले बिल्कुल भी मत पढ़ो। जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि पेपर से एक दिन पहले वो बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ ना पढ़ा हो या पूरे मंथ कुछ ना पढ़ा हो। पेपर से एक दिन पहले आपको रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। और कम से कम चलो पढ़ना है, रिवाइज कर सकते हो, नए नए क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी कभी भी भूल कर भी ट्राई मत करना। अगर आपने एग्जाम से एक दिन पहले नए क्वेश्चंस, नई बुक या
इंटरनेट से या किसी फ्रेंड से, असाइनमेंट से कोई भी नए क्वेश्चन करने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम ही होने वाले, ज़्यादा तो नहीं होंगे। सो एग्ज़ाम से एक दिन पहले को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझसे कभी डाउट्स भी नहीं पूछेंगे। मैं इसलिए मना करता हूँ कि एग्ज़ाम के दिन तक का वेट मत करना, और ना ही आपको पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले। एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना मीन्स आप नर्वस हो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि आपने जो पढ़ाई करी है वो सफिशियंट है, और उसकी वजह से फिर आपके मार्क्स हो जाते हैं कम। डू नॉट वेट फॉर एग्जाम से पहले वाला दिन, जो पढ़ना है कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहो, रिवाइज करो। हाँ, रिवीजन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिवीजन में कुछ भी ऐसा नया इंक्लूड मत करो जो आपने कभी पढ़ा ना हो। इवन अगर वो एग्जाम में आने भी वाला है तो लीव डेट टॉपिक, अगर वो बड़ा है तो। छोटा सा है तो यू कैन ट्राई डेट, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मत करो। चलो, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ यहाँ पर। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको -5 -8, ये प्लस का साइन है तो आपको पता चल रहा है कि इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है। वी हैव लास्ट टर्म -230, वी हैव फर्स्ट टर्म -5, वी हैव कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस, क्या आप बता सकते हो? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इन दिस एपी? कितना कॉमन डिफरेंस है इस एपी में, बताइए। नो निकिता, नो सलोनी, यस निकिता, नाउ करेक्ट। नो विनायक, यस कार्तिक। सलोनी ध्यान से करो बच्चे, विनायक तुम भी ध्यान से करो, फिर से करो। कार्तिक करेक्ट, निकिता एंड कार्तिक का करेक्ट। अक्षर तुम बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा? साइन की मिस्टेक कर दो तुम लोग। हाँ, फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं आंसर सही आता है? सिंपल सा कैलकुलेशन है, वहां पर कौन आपको नो या यस बताएगा, यस और जस। चलो, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है -3, फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस है -3, लास्ट टर्म है -230। हमें सम के लिए एन की वैल्यू पता करनी है, यस अक्षर। तो पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए एन से, जो कि आ जाएगी कितनी, 76। ठीक है, अब इसमें सम का फॉर्मूला, कोई सा भी फॉर्मूला, मैं वही लास्ट टर्म वाला कर रहा हूँ, आप चाहो तो पहले वाला कर सकते हो। एन ओवर 2 ए प्लस ए एन, और अगर आप दूसरा वाला करोगे तो एन ओवर 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। वैल्यूज पुट करी एंड वी हैव अवर आंसर। कोई मुश्किल है इन क्वेश्चंस में? किसी को लग रहा है ऐसा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, अरे ये तो कैसे होंगे? इस चैप्टर में बस यही दो फॉर्मूलाज हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं है। एक वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, वो भी इन्हीं से ही बना हुआ है, एन से ही बना हुआ है, तो उसको मैं अलग फॉर्मूला कंसिडर नहीं करता। सो यू हैव ओनली टू फॉर्मूलाज बस। लेकिन ये याद रख, यही बात होगी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें ही कंफ्यूजन होगी। अभी तो आपको टॉपिक वाइज चल रहे हो कि सम वाले क्वेश्चन में सम कर रहे हो एंड ए एन वालों में ए एन वाला कर दिया, लेकिन जब आप फर्दर एग्जाम में करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। कुछ कंफ्यूजिंग वो ऐसी टर्म्स दे देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें हमें सम निकालना है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, क्या निकालना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। और उसमें वो मोस्टली ऐसा क्वेश्चन देते हैं, आप देख लेना किसी बुक में मिल जाएगा वो क्वेश्चन। पॉकेट मनी वाला होता है कि एक लड़की ने पॉकेट मनी सेव करनी स्टार्ट करी मंथ के फर्स्ट डे से, कि फर्स्ट जनवरी या कोई भी डेट है उसमें उसने 1 रुपी कलेक्ट किया, फिर सेकंड डे में उसने जो किया वो 2 रुपी कलेक्ट किए, फिर थर्ड डे में उसने 3 रुपीज कलेक्ट किए, मतलब सेव किए। तो ऐसे करके बाय द एंड ऑफ द मंथ या लास्ट डे में उसके पास कितने पैसे होंगे, ठीक है? वो दो टाइप से पूछ सकते हैं कि लास्ट डे में उसके पास कितने पैसे होंगे, या फिर वो ये पूछेंगे कि लास्ट डे की सेविंग कितनी होगी। दोनों सेम ही हमें पता सुनाई देते हैं, ठीक है? मनी एट द लास्ट ऑफ द मंथ वो मंथ मेंशन कर देंगे कौन सा है, अप्रैल में डेज के, या फिर पूछ सकते हैं सेविंग
एट सेविंग ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। ये इंस्टॉलमेंट के उसमें भी आ जाता है कई बार कि एक आदमी ने लोन लिया, उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स इतनी इतनी दे रहा था, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, अगर वो मनी एट द लास्ट ऑफ द मंथ पूछ रहे हैं तो उसका मतलब है टोटल मनी उसने कितनी सेव करी। उस केस में आपको सम ऑफ सीडीज फाइंड आउट करना होगा। और अगर वो पूछ रहे हैं सेविंग ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो ऑब्वियसली बात है अगर 31st तक का मंथ था तो 31st पे वो कितनी मनी सेव करेगी, 31st डे पर 31 रुपीज सेव करेगी। दोनों ही केसेस में आंसर्स डिफरेंट आएंगे, तो लैंग्वेज को बहुत केयरफुली आपको एनालाइज करना है कि वो एक्चुअली पूछ क्या रहे हैं, वेदर दे आर आस्किंग फॉर सम ऑफ सीरीज और nth टर्म। जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इन शॉर्ट, आपको लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, कई बार वही क्वेश्चन होंगे जो आपकी बुक के होंगे, लेकिन एग्जाम में जब आएंगे तो वो थोड़े से चेंज कर देंगे, उसमें वैल्यूज वो कुछ और पूछ लेंगे, आप सोचोगे बुक वाला क्वेश्चन है और वहीं पर आप मात खा जाओगे। ये काम बहुत करते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी लगेंगे, बहुत इजी है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट्स आपको करने हैं, मैं भी कर रहा हूँ कुछ पार्ट्स। इसका ईच एंड एवरी पार्ट इज डिफरेंट क्वेश्चन और सब में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज उन्होंने पूछी हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है इस चैप्टर का, वो तो पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। उसमें फिर आप कभी भी गड़बड़ मेरे हिसाब से नहीं करोगे। लेकिन अगर इनको आप स्किप कर दोगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, और इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है ए की वैल्यू दी है। यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ए क्या है डी क्या है, तो यहाँ हम खुद ही समझ जाएंगे। ए का मीनिंग फर्स्ट टर्म है, डी का मीनिंग कॉमन डिफरेंस है, ए एन का मीनिंग है लास्ट टर्म, किसी नंबर की टर्म है 50। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू एंड एस एन मीन्स जितनी भी एन की वैल्यू आएगी उतनी टर्म्स का सम। तो पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करेंगे, ए का डी का या ए एन का, बताओ। फॉर्मूला इन तीनों में से किस में अप्लाई किसका होता है, ए का होता है डी का होता है या ए एन का होता है, किसका फॉर्मूला होता है, हम किसको यूज करेंगे, ए एन को यूज करेंगे। एन फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा ए एन को यूज करेंगे। तो ए एन हमें गिवन है, ए एन कितना है 50, ए एन का फॉर्मूला पुट किया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इक्वल्स टू 50। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट कर दी, डेट इज 5, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू डेट इज 3। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई कितनी, 16। तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास 16। अब हमें एस एन भी फाइंड आउट करना है, मीन सम ऑफ 16 टर्म्स, एस 16 फाइंड आउट करना है। तो हम एस 16 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जिसमें ए और ए एन वाला, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें पता है, आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एन ओवर 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन ओवर 2 मीन्स 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 विच गिव्स अस 440। सो वी हैव एन की वैल्यू 16, एस एन की वैल्यू 440, दैट इज अवर फाइनल आंसर। इजी है, इसके सिर्फ एक दो पार्ट्स हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज आपको करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ किसी को इसमें। बोलो बोलो। हाँ जी बोलिए। बच्चे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और आई कांट हियर यू। Is it clear now? यस नाउ इट्स क्लियर। सर ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो सम से पहले करते थे। सम से पहले करते थे, हाँ काइंड ऑफ। ये तो यहाँ इतना पार्ट तो वही है, फर्स्ट पार्ट, फिर दूसरा सम वाला है हमारा। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, ए 13, 35। यू नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ 13 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी नहीं होगा यहाँ पर, डी तो हमें दिया हुआ है, माइट बी समथिंग एल्स। कोई बता सकते हो एनसीईआरटी है तो यहाँ पर क्या दिया है डी के प्लेस पर।
या डी कुछ और, ये कुछ और दिया हुआ है, सम टाइपोग्राफिकल एरर। सर ओनली ए एंड A13 आर गिवन, डी इज ए नॉट एंड एट, गिवन। ओके ओके चलो, तो डी को हम यहाँ से हटा देते हैं, वी डोंट हैव दिस डी की वैल्यू, ये आई थिंक पुराने वाले क्वेश्चंस क्वेश्चन की कॉपीड है। फाइन, तो हमारे पास पहले ए प्लस 12 डी दिया हुआ है, ए 13 है तो ए प्लस 12 डी 35 के इक्वल है। देन वी हैव ए की वैल्यू विद अ 7, उसको पुट किया जिससे हमारे पास डी की वैल्यू बहुत ही अजीब सी आ जाएगी, विच इज 7/3। फाइन, प्लीज डेसिमल में मत कन्वर्ट करना अगेन। अगर आपको कोई क्वेश्चन डेसिमल में कन्वर्ट करना भी है सॉल्यूशन आंसर, तो आप उसको बिल्कुल जब फाइनल आंसर आ जाए तभी डेसिमल में कन्वर्ट करना, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। नाउ एस एन फाइंड आउट करना है, मीन्स S13, तो वही सेम थिंग, 13/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ए एन मुझे पता है, लास्ट टर्म मीन्स 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो लास्ट टर्म 35 ही होगी। कैलकुलेट किया तो 21/21 मल्टीप्लाइड बाई 13, डेट इज 273। बस ये हमारा आंसर। तो आप देख रहे हो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इसके सारे पार्ट्स आप खुद कर लोगे, जो जो पार्ट नहीं होते हैं तो वो आप मुझे कल तक बता दोगे, जिस जिससे जो जो पार्ट नहीं हुआ है, सो डैट मैं नेक्स्ट क्लास में पहले उन्हें बता दूंगा, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। इनको आप खुद ट्राई करके देखना बाकी के पार्ट्स को, एंड स्किप कोई भी पार्ट नहीं करना, क्योंकि हर पार्ट में कुछ ना कुछ अलग कैलकुलेशन है, कुछ ना कुछ अलग उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एक जैसे होंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, अगर इस साल वो एडिड हुई तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस में करोगे, सो डैट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा वो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ही है, उसमें बस वैल्यूज दिए हैं, कुछ वैल्यू या तो सम फाइंड आउट करना है या कुछ और फाइंड आउट करना है। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से पहले ये वाले क्वेश्चन की सारे डाउट्स मुझसे पूछ लेना, मतलब मुझे भेज देना, सो डैट मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता सकूँ। फिलहाल के लिए आप जा सकते हो 10th क्लास के।